अदर क्वेश्चन कौन सा? सेवन या सिक्स था? क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या करना है? रेफर टू कौन से क्वेश्चन में रेफर करना है अपने को? क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स। प्लीज, ये क्वेश्चन मेरी जान खा जाएगा क्या? इसको रेफर कर ले सिक्स को। कैसे रेफर करेंगे बेटा? सर दिख रहा वो क्वेश्चन लेने के बाद इसके आंसर देने। है? दिख रहा है बेटा? यस सर। देखो, कल क्वेश्चन नंबर सिक्स पढ़ा था, नीचे लिखा टू डाइस आर थ्रोन। ए इवेंट है गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई, बी है गेटिंग एन ओड नंबर ऑन फर्स्ट डाई। क्या ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? क्या इन दोनों के बीच कुछ कॉमन है? क्या ए और बी के बीच में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या इन दोनों के बीच में? नहीं नो नहीं सर। नहीं ऐसे बोला नहीं। क्या बोलेंगे? नहीं। डॉक्टर क्या बोले? कॉन्ग्रेचू लेशन लेशंस आप क्या बन गए? मी मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इवेंट अब सेकंड देखो, क्या ये मी और ई दोनों बन सकते हैं? बताओ बेटा, ग्रीन टी पियोगे? क्या ये दोनों बन सकते हैं बेटा? एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता जब दोनों मिलकर क्या बना दे? सर तुमसे कल मैं फॉर्मूले पूछना स्टार्ट करूंगा भैया। तुम ऐसे तो ये एग्जॉस्टिव का मतलब ए यूनियन बी कितना होना चाहिए? यूनिवर्सल। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। कॉमन तो नहीं, वो तो हमको भी पता है, लेकिन संसार बना रहे हैं। यस, क्योंकि ये क्या इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई, वन 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 टू टू वन टू टू ठीक है? यस सर। और ये बी वाला क्या बोल रहा है? ब्लू कलर वाला जो लिखा है ये वाला ओड नंबर ऑन फर्स्ट डाई, इन दोनों को मिला दे तो क्या यूनिवर्सल सेट बन जाएगा? यस सर। इम्पॉसिबल कंडीशन है ना? थर्ड देखो, ए इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, बी में क्या आ रहा है? जो ए में नहीं है। जो ए में तो ये ट्रू है। यस यस सर। ए एंड सी आर मी, ए और सी के जो कुछ कॉमन आ गया है? नहीं है सर। ये फॉल्स है। कॉमन क्या कॉमन है? टू वन है ना? यस सर। ए में टू वन है, सी में भी टू वन है, तो ये डॉक्टर बोलेगा सॉरी आप नहीं बन सकते हैं। ये फिर वापस से ये क्यों आ रहा है यार? कल बेटा बी कॉम्प्लीमेंट्री, मैं कल पढ़ रहा था बी कॉम्प्लीमेंट्री है बेटा। बी कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? ए एंड ए में कुछ कॉमन आएगा? सब। यस सर सब। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये क्या बन जाएगा? फॉल्स। फॉल्स क्या बन जाएगा? फॉल्स। ए कॉम्प्लीमेंट्री बी, बी कॉम्प्लीमेंट्री क्या ए? बकला। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? बी ए सी के बीच में कुछ कॉमन है? तीनों के बीच में कुछ कॉमन है? तीनों के बीच में नहीं, तीनों के बीच में, तीनों के बीच में नहीं है। अच्छा, तीनों मिलकर क्या संसार बना रहे हैं? यस सर। बी और ए संसार बना देंगे। तो है, लेकिन ये स्टेटमेंट पूरा फॉल्स है। नहीं है, ट्रू है, तीनों कुछ कॉमन थोड़ी है। अच्छा। अरे बी ए सी मिला के कुछ कॉमन आ रहा है तीनों का? नो सर। नहीं सर, तो अभी ए और बी में कुछ कॉमन नहीं आ रहा था। सीरीज कैसे फॉल्स दे रखा भैया? पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, तीसरा ट्रू, चौथा फॉल, पांचवा और छठा फॉल्स कैसे दे दिया? नंबर इंग्लिश हो गया। अरे ऐसा तो नहीं है, मतलब ए और बी में ही संसार बन गया तो सी को गिन के एग्जैक्ट। ये होना तो यही चाहिए ना कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री सी फाइव आना चाहिए और ए यूनियन बी यूनियन सी कितना आना चाहिए? संसार। ये संसार भी बना रहे हैं और तीनों को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है। कुछ कॉमन आ रहा है ए और बी? कुछ कॉमन है तो सर तीनों में कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता क्योंकि ए और बी तो अलग अलग। ए और बी तो सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, वो तो पहला इक्वेशन था। और सी
एनसीईआरटी है किसी के पास या मैंडेटरी का मॉड्यूल? मेरे हिसाब से तो तीनों के बीच में कंसीडर करते हैं, क्योंकि एक बार एनसीईआरटी देख लेता हूं मैं। एनसीईआरटी में कितनी इवेंट डॉट क्लिक इन का लिखा हुआ सर, ये कौन सी है? 15 पॉइंट एनसीईआरटी में सेम दिया हुआ है सर। क्या एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है आंसर और क्वेश्चन? हाँ, मतलब अपन को थ्योरी देखनी पड़ेगी ना उसी रेफर की, उसमें लिखा हो तीन इवेंट के लिए कैसे डिफाइन किया हुआ है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। तीनों का एक साथ या दो दो का ऐसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ 16.3.4 में तीनों को एक साथ ले रखा है, ए यूनियन बी यूनियन सी। आंसर तो यही दिया है। एग्जॉस्टिव में तो उन्होंने लिखा है सबका यूनियन सैंपल स्पेस बनना चाहिए, ये एग्जॉस्टिव में लिखा हुआ है पे नंबर 391 पे। तो अपन ने तो वही कंसीडर किया म्यूचुअल एक्सक्लूसिव को। भैया हाँ, पे नंबर कितनी है? एनसीईआरटी है यस सर। उसके 391 पे देखो दो लाइन, लास्ट दो लाइनें पढ़ो एक बार क्या लिखा। सही आंसर सही है इनका, अपना अपन गलत ले जा रहे। देखो लास्ट दो लाइन लिखी है, फर्थर लिखा हुआ कुछ ऐसा यस सर। हाँ सर। हाँ सर। उसमें लिखा हुआ ई आई इंटरसेक्शन ई जे आई इक्वल टू 5, ये पेयर वाइज होने चाहिए और मिलके क्या होना चाहिए, मिलके क्या बनाना चाहिए? लिखे ई आई एंड जी पेयर वाइज डिसजॉइंट एंड सब समेशन, मतलब ई आई इक्वल टू एस, एस मतलब सैंपल स्पेस बना दें तो उसको क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। थ्योरी में क्या एक्चुअली कहना चाहता है एनसीईआरटी वाला कहना चाहता है? चलो मुझे भी नई बात चल रही है, मैं तो यही समझ रहा था। ये जो ये वाले है ना, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये पेयर वाइज होना चाहिए, मतलब पेयर वाइज मतलब बी और ए के बीच में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं, नहीं सर। लेकिन ए और सी के बीच में कॉमन आ रहा है? यस आ रहा है। यस सर। ये तीनों फाइव होने चाहिए सारे, बी ए ए सी सी बी। समझ में आ रहा है? यस सर। इसलिए फॉल्स हो गया। और ये सारा ये एग्जॉस्टिव में पेयर वाइज नहीं, एग्जॉस्टिव में तो क्या होना चाहिए, सारे के सारे कंबाइन करके क्या होना चाहिए? सैंपल स्पेस। तो ये फॉल्स हो गए। आंसर सही था इनका, ये मैं स्टार लग रहा था, इस क्वेश्चन को करने का फायदा संभव हुआ। चमक गया। यदि कोई इवेंट एक साथ आपको डिक्लेयर करना हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव तो क्या करोगे? दो से ज्यादा इवेंट है तो एक्सक्लूसिव के लिए तो पेयर वाइज और एग्जॉस्टिव के लिए एक साथ। लिखने का कोई मतलब नहीं है। नहीं। ओ फ्रेंड्स, अपन 16.3 पे आ गए। स्कोर कितनी है इस टाइम पे में? बेटा देखो मैंने बोला वहां मिसलेनियस में आ गए ना, ये 16.3 मिसलेनियस है क्या? मेरी जल जाएगी पूरे है सर। ये वाली भी 21 क्वेश्चंस है। 21 है, थोड़ी बातें करते रहो ना प्लीज। और मिसलेनियस में 10 ही है, टोटल 31 बाकी है सर अभी। थोड़ी बातें कर दो ना, मैं टाइम पास कर दूंगा बस। देखो बेटा क्या है प्रोबेबिलिटी ना, जैसे फॉर एग्जांपल समझो एक बार, मान लो बेटा मैंने बोला कि तुम्हारे टेस्ट में अच्छे नंबर आने के है चांस 1/2, तो ना आने के अच्छे नंबर बुरे नंबर आने के चांस कितने हो जाएंगे? बेकार। तो मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ ये प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट को? टोटल प्रोबेबिलिटी का सम कितना होना चाहिए? 1/1। क्या प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव हो सकती है? नो सर। पर तो अभी अपने को ये देखना कि ये जो प्रोबेबिलिटी, देखो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, थोड़ा मैं कलर भी कर देता हूं, टाइम पास हो जाएगा तो नींद आएगी। कैन नॉट द वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस, चेक करते कौन सी वैलिड नहीं है। ये तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। टी वाला तो कैंसिल कर दूं? यस सर। यस सर। टी वाला देखो प्रोबेबिलिटी का नेट सम देखो एक से बड़ा हो रहा है क्या? प्रोबेबिलिटी का नेट सम एक से बड़ा हो रहा है, इनका सबका सम कर दो। यस सर। यस सर। सर वैसे ई वाली भी शायद तक नहीं होगी क्योंकि 15/4 है ना, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा।
ये भी नहीं हो सकती, ये भी डिस्ट्रीब्यूट सही नहीं की, समझ में आ रहा है? यस सर, क्योंकि इनका प्रोबेबिलिटी, अच्छा ये देखो 7/7 ये सही है, ये होगी, यस सर, ये 0.8 और ये टोटल कर, टोटल मारना प्लीज। मेरे हाल सही है, हाँ सर सही है, 10 तो ए और बी सही है, सी चेक करें, सी भी नहीं है, 2.8 होनी वैलिड ही नहीं है, तो वैलिड कौन सी है? ए और बी, मतलब उसने बोला कि प्रोबेबिलिटी आपने जो लिखी है इनमें से कौन से असाइन कर सकते हैं क्वेश्चन में, ए और बी, ए और बी कर सकते हैं, डी तो नेगेटिव हो गया, हाँ डी में सम वन जरूर बन रहा होगा, वो भी नहीं बन रहा तो बेवकूफी वाली बात है फिर तो, सम वन बन रहा है क्या? पर ई में तो एक से क्या हो रही प्रोबेबिलिटी बड़ी, चमक गया फर्स्ट क्वेश्चन, नोट्स बनाओ ना तुम, लिख क्यों नहीं रहे? गलत बात हम लिखते नहीं हो, तो मादर चैप्टर के बाद क्या लिखें? मैं बेटा स्टार्टिंग से कर देता हूँ बस। क्लास में लिखते ही है सिर्फ। गुजराती मीडियम इंग्लिश मीडियम ऑन जेई बुक्स ब्रांडिंग ऑप्शन इन बुक आल्सो अवेलेबल, वाओ अभी तो बिल्कुल ही बंद हो गई। क्या बंद हो गई आवाज आपकी? आवाज मैं तो बोल रहा था धीरे बात नहीं करना चाहिए, घर वाले शक करेंगे। ये कौन था आरामी? कृष्णा। कृष्णा यस सर, प्लीज उसको बिगाड़ो ना, किसको? प्रशांत। प्रशांत हाँ सर। सर ये किसी और का काम था। अरे यार वो बिगड़ा हुआ, लेकिन सामने से ऐसे खुलना चाहिए, बस खुलना मेरा काम नहीं है। बेटा देखो सर उसका भी क्या खोलना है तेरे को उसका? मार्मिक को सब खोलना ही होता है। अरे तेरे को सब बंद करने की जल्दी है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, जी तो आई वॉकिंग के लिए गया था क्या? नहीं सर, वो कुत्ता लेके आके जा रहा ना। पंक्ति 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 नहीं आई, जीत ग्रुप में डाल पंक्ति एब्सेंट। क्लास का मॉनिटर है आज से पर सर, डाल दे पंक्ति एब्सेंट, आगे दिल बना देना ठीक है। उसके बाबा तेरे बाबा सर दिल नहीं, बोलने वाला इमोजी होगा ना, वही टूटा हुआ दिल। हाँ वही सर। पंक्ति बीमार, अलीशा पंक्ति क्यों नहीं आई बेटा आज? सर मुझे क्या पता, तुम्हारी दोस्त है, तुम्हारे सुबह तुम्हारे साथ रखड़ती है, विदात शाम को बहुत, तुम पता नहीं। वाह बेटा, एक कॉइन को दो बार चला तो चारों यही चार पॉसिबिलिटी है। यस सर, उसने बोला एटलीस्ट वन टेल आना चाहिए, तो एटलीस्ट वन टेल किसमें आएगा? 3/4 एटलीस्ट वन टेल इसमें आ रहा है ना, टिक मार रहा हूं। यस सर, तो लिखने का तरीका क्या, पी ऑफ बी नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन में टोटल आउटकम्स इन सैंपल स्पेस, फेवरेबल कितनी 3 और टोटल कितनी थी 4, समझ में आया बेटा? यस सर, तो ये लिख लो। लिख लिया तुमने, लिखने का टाइम पास क्यों नहीं करवाया यार, मैं गलती क्यों कर ली सर? अगर वो एट मोस्ट होता तो क्या होता सर? हाँ बेटा यहाँ पे क्या लगा था, एट है वो होता तो सर। हाँ बेटा मैं लगा था ना 1/2 देख, एट मोस्ट मतलब मैक्स टू मैक्स कितनी टेल आनी चाहिए? एक एक 1/2 नहीं आएगा
हार्ट आएगा, हाँ, टच आएगा, ह ह भी चलेगा ना, ये तो एक टेल है, ये जीरो टेल, तो आंसर कब भी कितना आता बेटा, 3/4 थोड़ा एक बार सेल्फी कैसे लेते हैं, मुझे सिखाना हो तो मैं ऐसे करता ना, ऐसे कैसे कितनी हाइट मैंने है ली थी तो कहाँ, किसने ली थी, मैं चेक करता तेरे प्रोफाइल पे जाके, रुक तू डिलीट कर, वो स्टोरी है, बट चिप किया सर, ये लोकेशन क्या था, सिक्का सिटी, डेटी सिटी नहीं सिटी, सिटी नहीं अबे जेटी, जेटी कहाँ है वो स्टोरी, कहाँ चली गई यार, चली गई 24 घंटे तक सर, उसका आईडी पासवर्ड ले लो, आर्काइव में देख लेना, नहीं वो मुझे पता है, इतनी हाइट तेरे को पता कैसे चलता है कि इतनी हाइट तक कैसे मुंह सही आएगा, मेरे को ये पूछना है सब इधर में सबका मुंह उससे ज्यादा है ना, वो हाइट परफेक्ट है, तो बेटा किसी का छोड़ो यार, मत सर हमको सर मैं तुमको सेल्फी के बारे में डिटेल डिस्कस कर रहा हूं, कोई टीचर जो डिस्कस करता है सेल्फी के बारे में नहीं सर, बेटा डाई पे प्राइम नंबर क्या होता है, ये स्कूल तो बेकार है लेकिन नंबर बता दो, 2, 3 और कोई प्राइम नंबर होता है, 5, वाओ, पॉसिबल 3 आउटकम थी लेकिन उनमें से फेवरेबल 3 पॉसिबल 6, तो आंसर कितना आ गया, 1/2 ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 ये क्या है, ये भगवान मुझे उठा ले सर, ये तो अरे क्यों सर, अभी तो सर रुको सर, 3 है बस, सर 0 कर देते ना, 3, 4, 5, 6 कितना देगा, 4 फेवरेबल, 4 टोटल 6 पॉसिबल, कितनी हो गया बेटा, 2/3 ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 1, वाओ लेस देन और इक्वल टू 1, 1 से छोटा क्या हो सकता है जिंदगी में, कुछ हो सकता है, अरे डाई के केस में 0 बोलेंगे 0 हो सकता है नंबर मोर देन 6, लोल, LOL, क्या लोल, लोल इससे बड़ा कुछ हो सकता है क्या, नहीं सर, 0/6 मतलब 0 इन नंबर लेस देन 6, सारे सारे के सारे 6 से छोटे हो सकते हैं, 5 एक को छोड़ के, भाई बाय भाई के बच्चे, थैंक यू फॉर द, ओ ओ बेटा मैं सिनेमैटिक छोड़ लूं सर, बाय सर, क्वेश्चन का सिनेमैटिक छोड़ लूं, ओ ओ क्या होता है सर सिनेमैटिक शॉट, बेटा ऐसे शॉट जिसके कारण तुमको देखने की इच्छा हो सर, देखने का प्रॉब्लम हो वैसा भी बोल सकते हैं, अगर ज़ूम इन ज़ूम आउट होता है, अरे एआर इमोजी का क्या हुआ, हां सर तो मुझे किसी ने बताया तो था कि कैसे करो लेकिन कैसे, इमोजी है वो, एआर इमोजी नहीं है भाई, हम एंड्रॉइड वाले हैं, वो आती तो है, मैंने देखा है, मेरे दोस्त करते भी है यार, क्या करो भी, तो मितन को आती है उसने मेरे को भेजी थी, वो तो चैट करने के लिए, मैं जूम पे कैसे करके आऊं सर, वो जो मैंने भेजा था ना सर, हां वो कॉपी करके पेस्ट करता, कहां पे, पहले तूने क्या भेजा था मुझे, मैंने जो आपको भेजा उसमें पहले बनाने का बताया कि ऐसे आप अपना कस्टमाइज, वो तक वो तो मैं, मेरे को लगता है कि मैं जब मैसेज वो मैसेज करूं तब आ जाएगा, रुक कहां गया ये, इसमें आईपैड में तो वो भी नहीं आती, मैक में तो नहीं आती, वो मोबाइल में तो आ जाती है, ये तो पाकिस्तान का झंडा दिख गया रे, क्या करूं, चलो मैं देख के बताता हूँ, मैं कल तो पक्का इमोजी में आऊंगा, फिर तुम गैस नहीं कर पाओगे कौन हूं मैं, बेटा कोई पत्ते खेले तुमने, हाँ सर, बेटा एक दिन मैंने में कंपटीशन करके सीक्वेंस करो उन लोगों का, मैं जितने तो वैसे मैं ही वाला हूँ, फिर भी हारने के लिए आना तो आजा, जिनको खेलना नहीं आता सर उनका क्या उनको बेटा उनको सीन नाखने हैं, ऐसे समझ में आया, नहीं आता सही में, नहीं खेलना आता नहीं सर, सीक्वेंस का नहीं पता उन लोगों का, सीक्वेंस भी आता है मेरे को, वो भी कार्ड की गेम है ना सर,
हाँ बेटा उसमें तो दिमाग लगता है जोर से तो चुगा लिए ये तो जोगर्स पास में बैठ के नीचे बैठ के खेल रहे वहीं खेल रहे सब मेरे दोस्त हैं सर उनको पूछना बेटा वाव फोर्थ का एम मेरे को आंसर करते शर्म आती क्या बोला है हाउ मेनी पॉइंट आर 52 कार्ड तो सैंपल से इसमें कितने होंगे प्लीज उठा ले भगवान मुझे 52 अच्छा कितने एस होते हैं कितने ये पता है कितने स्पेड होते हैं कितने किसी को पता कुछ चारों का एक एक सर तो एस और स्पेड एक ही होगा सर एक तो टोटल कितने हैं 1/52 अगला कितने एस 4 1/13 4/52 भगवान ब्लैक कार्ड कितने 1/2 26/52 बेटा ये तो ये चैप्टर जिंदा कोई मुर्दा बना देता है लिख लिया नहीं सर लिखो 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 लिख अभी तो तू नमन लिखी मैंने बोला नहीं सर मैंने ऐसा नहीं बोला कि मैं लिखने वाला हूँ बेटा फेयर कोई ना फेयर लवली लगा था ठीक है उस पे क्या मार्क कर गए हेडली मार्क किया अभी क्या मार्क किया उसने 1/6 इसके भी अरमान बदल गए बोले निश्चय से मिल के आया होगा निश्चय तो आजकल सुबह उठ जाता है बस बात तो मेरे को नहीं उठाता ना गलत बात फोन करके कि सर उठ जाओ मॉर्निंग वो करना है तुम्हें गेम रमना है काले तुम्हारी सवार नहीं सबने 6 बजे नहीं क्लास से समझाई क्यों इधर सर सर ग्राउंड पे या इधर पीटी की क्लासेस सुबह तमें तमें मैंने बोले पीटी की क्लास मैंने कल काले तुम्हारी गणित सब्जेक्ट की क्लास समझाई क्यों ना सर ये तो चैप्टर भी वैसा ही चल रहा है आप सच्ची में सोने की क्लास की प्लानिंग कर रहे हो तुम्हें नींद आवड़ती है मैंने सरस पढ़ाऊ नहीं तो निश्चय कृष्णा कल सुबह 6 बजे निश्चय डाई अच्छा सेक्सी बनाया बेटा मैंने डाई अरे एकदम मस्त है पहले से बटरिंग करता था अभी करना सीखा है ठीक है उसने क्या बोला दोनों को एक साथ उछाल दिया दोनों को एक साथ उछाल दिया एक साथ लेकिन एक साथ ध्यान रखना क्या एक साथ एक साथ तो सम कितना चाहिए 3 सम कब 3 है अच्छा पहले पॉसिबल इसमें टोटल टोटल कितनी आउटकम पॉसिबल है 2 इस पे आउटकम कितनी पॉसिबल है 6 टोटल आउटकम कितनी हो जाएंगी 12 अब सम चाहिए 3 3 कब आ सकता है बेटा पहले पे 1 दूसरे पे कितना आया हो 2 और कोई और केस केस में 3 आ सकता है इस पे 1 का मतलब क्या कॉइन पे 1 आया और डाई पे कितना आया हो और केस में 3 आ सकता है बेटा नहीं ना सर ओ प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/12 चमक गया दूसरा क्या लिखा है अरे ये दूसरा ये आंसर है इसका आंसर 12 क्यों लिखा है 1/12 होना चाहिए 1/12 दूसरा 12 कब आएगा जब पहले पे भी 6 आया दूसरे पे भी कितना आया 6 तो एक एक कैसे आउटकम और टोटल 12 पॉसिबल आउटकम थे 12 में ऐसी देखो 12 में लिख देता हूँ 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6, 6/1, 6/2, 6/3 अरे अरे भाई वो कॉइन है पहले वाला क्या है कॉइन है उसपे क्या मार्क है सिर्फ 1 और क्या मार्क है 6 तो 12 पॉसिबल आउटकम में से उसने पूछे उनमें से पहले वाले में चाहिए सम 3 चाहिए तो एक ही आएगा तो 1/12 दूसरे में सम कितना चाहिए 12 तो एक ही आउट पॉसिबल है 6 कॉमा तभी तो 12 आ सकता है जब पहले डाई पे भी 6 आया और कॉइन पे भी कितना आया हो 6 प्लीज बच्चों लिख लो ओ बेटा तुम्हारे काम का सवाल आ गया
ऊपर सर, ऊपर तो पूरा सिटी काउंसिल है सर, हमारे काम का कहां से चार। तुम काउंसलिंग में, तुमको काउंसिल में बिठा दिया ठीक है, कमेटी में, तो चार मैन है और छह क्या बेटा? विमेन। ओहो छह निश्चय, इधर देखो तुम बेटा निश्चय को अंडरएस्टिमेट मत करो। इफ वन काउंसिल मेंबर इज सिलेक्टेड फॉर कमेटी, ओहो टोटल कितने पॉसिबल है बेटा? टेन। टोटल टोटल 10, उसमें वुमेन के लिए कितना चाहिए? फेवरेबल कितने? 6 है ना? यस सर। और 6/10.6 होता है, मुझे उठा लो। क्या है क्या 11th क्लास की यार, क्या पढ़ाऊ मैं? लिखो बेटा, एक कॉइन को उछाला कितनी बार? कुछ है क्या, कुछ लिखा है एनसीईआरटी हेड के लिए दिया होना चाहिए? A person means rupees one for each head, ऐसा लिखा। For each head. तो head आने पे उसको कितने रुपए मिल सकते हैं? एक। एक। और tail, tail पे कितने का, कितने का खोटी करके आ सकता है? -1.5। अरे देखो आ गया, अरे भगवान। From the sample space, calculate how much different amount of money you can have after four tosses and the probability of having each of these amount. Very good, good question. बेटा या तो क्या होंगे, पहले देखो क्या होंगे, या तो चार हो, चारों के चारों क्या होंगे? हेड। हेड या तीन हेड और एक टेल। टेल दो हेड दो टेल, एक हेड टेल, त्रण टेल, चार है चार टेल। एना पॉसिबिलिटी में केम रुपए तुम्हें जीती जावड़, तो चारों हेड में चार पे प्रॉफिट नफा था, जो त्रण हेड में तुम्हें कितना प्रॉफिट था? 1.5 तुम्हारी जेब में लाख से, तो तुम्हारे पास कितना बच से? 2.5 बच से, नहीं बचे? नहीं नहीं 1.5 नहीं बचे, 1.5 होगा ना। 1.5 3 रुपए तुम्हारे पास आवड़े एंड 1.5 तुम्हारे पास गावड़े, समझाई क्यों? यस सर। नेक्स्ट से नुकसान है -1। मां सोचे 2 रुपए तुम्हारे पास आवे एंड -3 रुपए तुम्हारी पॉकेट में जावे थी जावे, तो केम केला बची तुम्हारे पास? माइनस एक नहीं, उधार था ही क्यों, समझाई क्यों केम? यस सर। भले तुम्हें सामलो मारी बात, पहले खोटी बात नहीं बोलू मैं, दिख रहा तुम्हें बे हेड में केला रुपए तुम्हारे पास आ गए, तुम्हारे पास 2 रुपया। अच्छा जो बाकी अने बे टेल में केला रुपया तुम्हारी जेब में गई, -3 ना? यस सर। यस सर। एमा सूचा है तुम्हारे पास 1 रुपए आयो और -4.5 गियो, तो कितना नेट आएगी? -3.5। समझाएगी दिख रहा? ये डिफरेंट काइंड ऑफ पैसा सर, वो लास्ट वाला माइनस नहीं आएगा, माइनस 6। तो मैंने क्या लिखा है? सही है सर, सही है, क्या बोलूं अभी, जो अपने हक के लिए आवाज में लड़ता और लड़का लड़की दोनों नहीं होता, ऐसा मैं बोल सकता था। अभी सर वो सच में क्या बोलेगा, सच तो सच होता है। ओ भाई विद्या बोल गई, अब तो मैं बेइज्जती नहीं सहन कर सकता। अब तो कुछ बोल दे तू, क्या बहुत हो गया बेटा, प्लीज। सर लोग तो बोलते रहते हैं सर, लोग कुछ भी बोलेंगे तो सुनेगा क्या? बोलते रहते लोग कुछ बोले तो सुनेगा क्या?
सर तो अभी आपको कुत्ता भौंक के जाता है, आप थोड़ी ना आई बोलेगा फिर रस्ते पे कुत्ता भोंकता है थोड़ी ना आप सामने भोंकता आप चले जाते समझ पता है कुत्ता क्या भोंक रहा है हम तू ये तो समझ पा रहे ना हम क्या बोल रहे हैं निश्चय यार तू ऐसे प्लीज मत कर आ तेरी मस्ती उड़ी है तू आज कुछ नहीं बोल पा रहे डर के चक्कर में सर डर वर कुछ नहीं है सर रिस्पेक्ट है तेरी नजरों में रिस्पेक्ट तो बिल्कुल नहीं है सर तो सर टिकटॉक बना के खो गया था अरे मैं इधर केस लिख रहा हूँ हरामी हूँ कोई बचा हुआ है दो हेड दो टेल के कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है दो टेल दो हेड हो गया एक और पेंट होगा एक और अंडे HT हाँ भाई HT एक हेड तीन टेल वाला निकालो HTTT अने चार होटल टीटीटी टोटल कितना था टोटल सैंपल्स में कितना पॉसिबल छे एक चार 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 एक अने कितना आई गया बेटा सोलह आई क्यों सोलह हाँ सर और चार पे जितना ने प्रॉफिट कर ला थे चार पे जितने के सोलह में से एक है हाँ सर और 1.5 रुपए जितने के प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/16 बेटा एक रुपए हारने के कितने की चांस है छह ऐसे चैप्टर केमिस्ट्री में भी पाए जाते हैं क्या बोरिंग तो केमिस्ट्री में भी इतना बोरिंग नहीं होता सर नहीं होते ना नहीं सर सर मैथ्स में ही है सर ये मैथ्स कहाँ है सर तो ये तो इंग्लिश है सर कुछ भी नहीं है कुछ बायो है बायो कैसे चैप्टर बना है चार पे हार गया अभी सर -4.5 में छह कैसे आएंगे क्या बेटा अरे इधर आएगा क्या बेटा प्रोबेबिलिटी -3/8 लिखी है क्या बेटा नेगेटिव प्रोबेबिलिटी सर किंचु क्या बोल रहा है इसमें क्या बोल रहा है तू नशा तो नहीं करके आया सस्ता सर 1/16 प्रोबेबिलिटी -6/16 थोड़ी आएगी हमें तो नहीं दिख रहा सर 1/16 होगा वो क्या बेटा उनकी आंखों का ऑपरेशन करवाना है किनका तेरा नेटवर्क लैग हो रहा है देख भाई सब आता है नेटवर्क लैग हो रहा है लगे इसको समझ में मतलब नहीं इसको गलती निकाले थे मतलब इसको तो मैं कल आरटी में लूंगा अरे सर नहीं कॉपी मैच चेक करूंगा ये ऐसा वो अरे आया कोई तो आया लेकिन मुझे पहले बताओ कौन है पब्लो फिर उसको एंटर कर दूंगा मुझे प्राइवेट में हाय लिख के भेज दो अब मतलब तुम धक्के से मत बोलना कि सर मैं ही हूँ चैट फिस चैट ये पब्लो कौन है रिमूव कर देता हूँ चलो बिग बॉस के लिए आज यस सर बिग बॉस यस वाह सर वाह बहुत मजा आता है उसमें सर लेकिन ना लेकिन तुम मैं मेरा तो कोई दोस्त बनो तुम्हारे वजह से मेरा कोई दोस्त ही नहीं बना यार इस बार होता क्या है बिग बॉस में अब ये उल्टी तरह बोल रहे सर हमारे बैच में यूनिटी इतनी है नहीं नहीं मैं बताता हूँ अभी मैं 5 मिनट के लिए बाहर जाऊंगा ठीक है और 5 मिनट 2 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग देख लेंगे मैं हाथों रिकॉर्डिंग देख लूंगा तुम भी लेकिन क्लास के हर एक बच्चे को बता रहे कि पब्लो कौन है सर ये तो चीटिंग है ये चीटिंग है सर ये वो हो जाएगा सर वो बाहर तो जाने दो हाँ हाँ सर ठीक है चलो ना वो हम कुछ नहीं 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 सर आप कंडीशन तो फुलफिल हो गई नहीं 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 हर एक बच्चे को
सब पहले इस गेम का रूल्स क्या है वो तो बता, ट्यूटोरियल जैसा बेटा मैं बता रहा हूं। सर ये क्या बवाल चीज है ये कौन? अरे पहले मैं बाहर निकालता हूं, अरे पहले तो बवाल को बाहर निकालता हूं, बवाल और पब्लो को। आज नहीं, एक एक ने एक का मैसेज आया था, वो कौन है, वो कौन से वाला है भैया जिसने मेरे को भी मैसेज किया पर्सनल में जूम पे? वो जोर से अपना नाम बोले और वो एवरीवन में भी मैसेज करे। ठीक है, डन डन डन। अभी पब्लो और बवाल जी दोनों रहेंगे। अच्छा अभी तुम्हारा क्या है, अब तुमको गैस करना है, मैं तुमको फंसा तो सकता हूँ कि अच्छा मैं अभी पर रूल समझा दूं गेम का क्या, बिग बॉस का। गेम क्या है, मैं चाहता हूँ कि सब बच्चों की आवाज सुनी जाए, ऐसा नहीं कि एक दो बच्चे क्लास को लीड करें। पहला गेम इसलिए खेला जा रही है कि ताकि हर एक बच्चे को पता हो, जैसे अक्षर को पता हो, वीर को पता हो, मितेन सबको पता हो, जो नहीं भी बोलते कि तुमने एक को पब्लो असाइन कर दो, मान लो कि पब्लो असाइन कर दिए तुमने, सबने मिलके जूम पे डिस्कस करके कि लेट पब्लो इज इक्वल टू ए नमन। ठीक है, और सबको पता होना चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, सबको पता होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ। और फिर मैं अभी आऊंगा, मेरे खबरी तो मुझे बता ही देंगे कि तुमने पब्लो किसको साइन किया है। यदि वो सही निकला तो तुम हार गए, यदि गलत निकला तो कौन हार गया? हाँ ध्यान रखना, लेकिन तुम मोमेंट में चेंज मत करना कि सर पब्लो हमने ये नहीं था, फिर मन खराब हो जाएगा। हाँ सर ठीक है, ओके सर। उसके लिए क्या प्रूफ रहेगा कि तुमने चेंज नहीं किया लास्ट मोमेंट पे? अगर आपके खबरी पे आपको भरोसा नहीं है? नहीं क्या सर, खबरी कैसा सर? नहीं खबरी ने सही बोल दिया, लेकिन तुमने क्या बोल दिया लास्ट मोमेंट में, क्या बोला सर ये तो नहीं था ऐसे करोगे सर? पर आपका खबरी तो बता देगा ना कि था कि नहीं था, तो वो तो नहीं, वो तो सही बोलेगा, लेकिन तुम तो चढ़ जाओगे ना। फिर सर आप किसी को रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दो, फिर मतलब आप बाहर जाओगे पर वो तो अंदर ही रहेगा ना। Yes, sir. सर मैं भेज दूंगा सर आपको, मेरे को दे दो परमिशन। हाँ अरे मैं क्या बोल रहा था, हाँ तेरे को परमिशन दे देता हूँ, और लेकिन ध्यान रखना यदि तुमने सबको पता होना चाहिए। हाँ हाँ सर, आज मैं अपने ये दो कैरेक्टर भी बाहर जाएंगे ना अभी तो। सर अगर आप नहीं, सर अगर हम जीते तो वो बर्थडे वाली पार्टी तो है ही, लेकिन अगर सब गलती से आप जीत गए ना तो हम आपसे पार्टी लेंगे। ये तो ठीक है ना सर। मैंने अपने खबरी को मैसेज कर दूं, रुको मैं मैसेज तो कर दूं। देखो बेटा मैंने पूरी क्लास में तेरे को भी मैसेज किया है, इसका मतलब मेरे को सबसे एड्रेस तेरे पे ही होगा। नहीं कोई चंगुल में मत फंसना। एक मिनट सर, बटरिंग नहीं कर सकते सर हमें? नहीं मैं अपना खिलाड़ी तो खेल के जाऊंगा ना। मैंने पूरी क्लास में से पूरे बैच में सिर्फ तेरे को ही चूज किया खबरी, ठीक है? तो मेरी इज्जत रख लेना प्लीज। हाँ सर प्लीज रख लेना प्लीज। हाँ सर एक बार और कन्विंस कर दूं ढंग से प्लीज। हाँ सर निश्चय 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 निश्चय